जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए निरंतर कार्यरत है। इसीलिए जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने डोर टू डोर कचरा प्रबंध के लिए RFID टेक्नोलॉजी पर आधारित डोर टू डोर कचरा प्रबंध नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जबलपुर शहर के समस्त घरों तथा दुकानों, स्कूल, कॉलेज एवं प्रतिष्ठानों में RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगाई गई है। साथ ही कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई। इस कमांड कंट्रोल सेंटर में जिसमें जबलपुर शहर के हर एक घरों, दुकानों, स्कूल, कॉलेजों तथा प्रतिष्ठानों के साथ ही बिन्स की GIS मैपिंग की गई है, जिनमें घरों को नीले रंग के आइकॉन में दिखाया गया है। शहर की हर सुबह नगर निगम के सफाई कर्मी शहर के हर घर से कचरा लेने निकल पड़ते हैं, तब तक कमांड कंट्रोल सेंटर के स्क्रीन के घर नीले आइकॉन में दिखाई देते हैं। जैसे ही सफाई कर्मी किसी के घर से कचरा कलेक्ट कर RFID रीडर से उनके घर के बाहर लगे RFID चिप के संपर्क में आता है, ऐसा करते ही कमांड कंट्रोल सेंटर की स्क्रीन के नीले आइकॉन के घर हरे आइकॉन के घर में बदल जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस घर से कचरा कलेक्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ उस घर के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज डिलीवर हो जाता है, आपके घर से कचरा कलेक्ट कर लिया गया है। वेबसाइट लिंक भी आता है। इसके माध्यम से नागरिक अपने सुझाव एवं शिकायत कमांड कंट्रोल रूम में हेल्प डेस्क में कर सकते हैं। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में लगाए गए सेमी अंडरग्राउंड बिन्स डोर टू डोर कचरा प्रबंध का ही हिस्सा है, जिनमें बिन्स लेवल सेंसर लगाए गए हैं। जैसे ही इन बिन्स में 80% से 90% तक कचरा भर जाता है, वैसे ही एक ऑटोमेटिक मैसेज और अलर्ट कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ साथ उस जोन या वार्ड के अधिकारी के मोबाइल पर मिल जाता है, जिससे वो उस बिन्स को खाली करा देता है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम घरों से कचरा उठाने से लेकर ट्रांसफर स्टेशन एवं ट्रांसफर स्टेशन से कठौंदा प्लांट तक के प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जाती है। हर एक घरों से इकट्ठा किया गया कचरा अंत में कठौंदा प्लांट तक पहुंचाया जाता है, जहां इस कचरे से बिजली का निर्माण किया जाता है। ये बिजली काफी जिंदगी को रोशन कर रही है। ये सब जबलपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा कचरे का सुव्यवस्थित प्रबंधन कर जबलपुर शहर के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है।